बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में 15 से 20% इजाफा कर दिया है। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1250 से बढ़ाकर 1350 कर दिया गया। लाहौर से मरी का किराया 1600 बढ़कर 1700 रुपये हो चुका है। लाहौर से पेशावर का किराया 1500 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 630 से बढ़ाकर 730 कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा, पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, अब किराए बढ़ा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के फिलफौर बाद जो है वो ट्रांसपोर्टर ने भी किरायों में 15 से 20% इजाफे के हवाले से जो है नए किराएनामे जारी कर दिए हैं। लाहौर से रावलपिंडी का किराया जो है ये 1250 रुपए से बढ़ाकर 1350 रुपए कर दिया गया है, जबकि लाहौर से मरी का किराया 1600 से बढ़ाकर 1700 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से पेशावर का किराया 1500 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए, जबकि लाहौर से फैसलाबाद का किराया 630 रुपए से बढ़ाकर 730 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से मुल्तान का किराया 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए, जबकि लाहौर से सियालकोट का किराया जो है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से बहावलपुर का किराया जो है ये 1250 से बढ़ाकर 1350 रुपए कर दिया गया है। खानीवाल का किराया 1000 से बढ़ाकर 100 रुपए इजाफे के बाद जो है वो 1100 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से सादकाबाद का किराया बढ़ाकर 1650 रुपए कर दिया गया है, जबकि 1650 से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया गया है, जबकि हैदराबाद का किराया 3400 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए, जबकि लाहौर से कराची का किराया 3600 रुपए से बढ़ाकर 3800 रुपए कर दिया गया है। और नए किराया नामा का फिलफौर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इतलाक भी कर दिया गया है। जी नए किराया नामे का इतलाक कर दिया गया है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका।